Hello student, my name is Sanjay sir, physics faculty. Last time on video lecture we discussed electric potential due to continuous charge distribution. उसमें हमने स्पेरिकल सेल के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके वजह से पोटेंशियल हमने निकाला था आउटसाइड अंदर सरफेस और इनसाइड द सरफेस. ऐसे ही आप लोग होमवर्क के अंदर कोई सॉलिड स्फीयर हो ओके नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो जिसके अंदर पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके वजह से पोटेंशियल आपको निकालना आउटसाइड अंदर सरफेस इनसाइड द स्फीयर आप निकाल सकते हो ओके. आज हम डिस्कस करने वाले इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में. तो वर्ड के अंदर ही आपको पता चल रहा है कि क्या होगा इसमें टॉपिक के अंदर ले क्या हो ओके. इक्वी का मतलब होता है सेम और पोटेंशियल आपको पता है पर सरफेस ओके. मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के पास पोटेंशियल कैसा रहे सेम रहे इक्वल रहे ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ओके. इमेजिनरी सरफेस है तो जहां पे हमें सरफेस को ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करें डिफरेंट डिफरेंट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज हो तो उसके अकॉर्डिंग इक्विपोटेंशियल कैसे बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा वो हम यहाँ पे ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं. फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. प्रॉपर्टीज अपने एमसीक्यू बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है ओके. कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काफी सारे इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ओके. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ओके. तो फर्स्ट हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ व्हिच पोटेंशियल इज सेम ओके. सिंपल सा डेफिनेशन. और पॉइंट चार्ज के लिए हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला बता पी इक्वल्स टू क्या लिखते थे के क्यू बाई आर. इट्स मीन्स कि जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी चेंज होगा क्योंकि क्यू तो हम कॉन्स्टेंट है के तो हमें कूलम्बिक कॉन्स्टेंट है. चेंज क्या होगा तो डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होते जाएगा वैसे वैसे आपका पोटेंशियल भी चेंज होते जाएगा. लेकिन हम इक्वल डिस्टेंस पे देखें तो पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा ओके. तो हम पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालने की ट्राई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड. और उसको एक्चुअली प्रेजेंटेशन देना हो तो हम कैसे देते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओके. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें कैसे होगी रेडियल या ओवरवर्ड होगी ओके. पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइन कैसे होती रेडियल आउटवर्ड. अभी हम यहाँ पे कोई डिस्टेंस कंसिडर करें ये चार्ज से आर वन डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं कोई आर वन डिस्टेंस पे पॉइंट लिया ओके. ये सब पॉइंट है वो कौन से ओके आर वन डिस्टेंस पे ये सभी जो डिस्टेंस है वो आर वन जितने ही है ओके. तो ये सभी पॉइंट के पास देखो डिस्टेंस सेम है चार्ज से तो सभी पॉइंट के पास पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा. तो यहाँ पे सरफेस ड्रॉ करने के लिए ट्राई करो कुछ ऐसे सरफेस आएगा हमारा और ये सरफेस कैसा होगा पॉइंट चार्ज का ओके स्फेरिकल होगा ओके. कॉन्सेंट्रिक स्फीयर जैसा दिखेगा. यहाँ पे हमारे लिमिटेशन ये है कि ये बॉल है अपना वो प्लेन है ओके. टू डी के ऊपर थ्री डी ड्रॉ नहीं कर सकते. ये पूरा स्फेरिकल है जैसे आपको सपोज करना पूरा थ्री डी है पूरा स्फीयर है ओके. तो ये जो स्फीयर है उसके हर एक पॉइंट के पास आई वन डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा. मतलब ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है वो अपने आप में क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ओके. ऐसे ही हम दूसरा अगर पॉइंट है मान लो कि यहाँ से आई को डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है ओके. ऐसे आई को डिस्टेंस का पॉइंट कंसिडर कर तो ये हर पॉइंट के पास हम लाइन ड्रॉ करें सरफेस ड्रॉ करें से तो ये आर टू रेडियस वाला जो स्फीयर है उसकी एवरी पॉइंट के पास पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा. इसको हम नेम दो ए स्फीयर और इसको नेम दो स्फीयर बी. तो स्फीयर और ए और बी है दोनों का पोटेंशियल इक्वल ही होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस फेस किए ओके. ये बी जो स्फीयर है उसके हर एक पॉइंट के पास पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा ओके. ए के हर पॉइंट के पास स्फीयर के हर पॉइंट के पास पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा. और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा चार्ज का जैसे जैसे पोटेंशियल क्या होगा इंक्रीज होगा. मतलब में ये इस ग्रेटर देन बी भी होगा ओके. ये भी हमें पता है और ये रेडियल आउटवर्ड फील्ड का ये बाहर की तरफ निकल लेना ओके.
वर्क डन कराएंगे तो वर्क डन हमें ऑलवेज जीरो मिलेगा। तो उसको प्रूफ देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, ओके। वो प्लेन के साथ अभी एक भी पोटेंशियल सरफेस है, इसमें दो पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अभी बी ए के पास का इनिशियल जो पोटेंशियल है वो कितना है, बी ए इक्वल्स टू बी, और बी बी के पास का पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम जो बी बी पोटेंशियल बोला। यहां से मैं कोई चार्ज को वर्क डन करा के मतलब डिस्प्लेसमेंट करा के मैं बी के पास ले जाना चाहता हूँ, मतलब जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू ए टू बी जो मैं वर्क डन करा रहा हूँ किसके बराबर था, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो इसके ऊपर से मैं देख सकता हूँ वर्क डन ए टू बी इक्वल्स टू क्यू, डेल्टा ई का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए पॉइंट, ओके। इसमें वैल्यू पुट कर दो, डब्ल्यू ए बी मतलब वर्क डन ए टू बी इक्वल्स टू क्यू, बी बी की वैल्यू कितनी, बी ए की वैल्यू कितनी, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो एवरी पॉइंट के पास पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पोटेंशियल मैंने क्या कंसीडर किया था, बी बी, तो आंसर क्या है, वर्क डन ए टू बी इक्वल्स टू जीरो, जो हमारा करेक्ट एक्सिस है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखेगी वो कैसी होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये कैसी होगी, परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी, ओके, तो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही रहेगी। तो उसका प्रूफ देखते हैं, तो प्रूफ दिखाने के लिए हमें पता है वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, क्यू डेल्टा ई, अपने पास पर हुए वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और इनटू क्यू इक्वल टू क्या, क्यू इनटू डेल्टा ई की जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक भी पोटेंशियल सरफेस में जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। और एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। QE वेक्टर डॉट dr मतलब QE वेक्टर डॉट dr इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो, ओके। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। अभी हम ये डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ना, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, A का मैग्नीट्यूड विद B का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ओके। सिमिलर इसको मैं लिख सकता हूं, तो ई बी आर cos थीटा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर ऊपर से निकल जाएगा, ओके, इक्वल टू जीरो। अभी यहां पर देख सकते हो कि फील्ड जीरो नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं, तो जीरो क्या होगा, cos थीटा जीरो होगा। cos थीटा जीरो का पता है जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल किसके बीच का है, तो फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का है, मतलब फील्ड है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू जो हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराते हैं उससे होगा, मतलब मैंने यहां से डिस्प्लेसमेंट करा ये पॉइंट डिस्प्लेसमेंट डीआर, तो इस डीआर के साथ में फील्ड के सीधे ऑलवेज परपेंडिकुलर की रहेगी, ओके। तो इसका प्रूफ जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, जैसे कि फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वैसे ही सिमिलर, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जैसे फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा मान लें कि वो इंटरसेक्ट करे, इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो कि दोनों इंटरसेक्ट कर ले, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखा हूं, ये मेरे पास कोई ए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सिमिलर में कोई दूसरा एक इक्विपोटेंशियल ले लू बी, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, यहां पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट आए, तो ये यहां का पोटेंशियल क्या होगा, मान लो कि फर्स्ट का पोटेंशियल बी ए था और इसका पोटेंशियल बी बी था, तो ये पर्टिकुलर एक सिंगल पॉइंट के पास दो पोटेंशियल मिले, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि पर्टिकुलर एक ही लोकेशन के ऊपर दो पोटेंशियल हो, तो मतलब में एक भी पोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ओके। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, नोट करो, और डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालते हैं, ओके, नोट करो पहले। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया। नेक्स्ट
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के से देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट चार्ज का सिस्टम ले लें या तो प्लेन ले लें या तो कोई पॉइंट चार्ज है उसको इसका हमें कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। फर्स्ट हमें पॉइंट चार्ज को जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा तो एक कॉन्सेंट्रेटिक स्फेरिकल स्फीयर मिलेगा। ओके ये कॉन्सेंट्रेटिक स्फेरिकल मिलेगा हमें ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन जब हमारे पास प्लेन चार्ज शीट हो उस केस में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे मिलेगा तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई चार्ज प्लेन शीट है। ओके इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मान लो पॉजिटिव हुआ पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें पता है कि प्लेन के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यूनिफॉर्मली तो उसकी फील्ड लाइन कैसे होगी तो फिर जैसे मिलेंगे हमें ये कैसे बोलते हैं इसको यूनिफॉर्म फील्ड मिले यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन मिलेगी वो भी ऐसी यूनिफॉर्म। अभी मुझे यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कैसे सरफेस आएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा फील्ड लाइन से नॉर्मल सरफेस को ड्रॉ कर लूँ क्योंकि ऐसे नॉर्मली मैं प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा फिर मेरे क्या हो जाएंगे ए और ये बी है मेरे क्या हो जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस और यहाँ पे फील्ड लाइन कैसे होनी नॉर्मल होनी जो करंट एक्सिस है नॉर्मली एक फील्ड लाइन सरफेस है। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो कि वी ए इज ग्रेटर देन बी जैसे जैसे फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे जैसे जैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा डिक्रीज होते जाएगा उस इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ओके यहाँ पे हर एक पॉइंट के पास पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा इसके हर एक पॉइंट के पास पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा। ओके सिमिलर इसे कोई हम दो चार्ज के सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कर सकते हैं तो चलो देखते हैं यहाँ पे ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू इक्वल या तो टू पॉजिटिव चार्ज। ओके हमें निकालना है यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू किसका तो के टू इक्वल चार्जेस के तो फिर टू इक्वल चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। ओके ये पॉजिटिव चार्ज है। अभी हमें फील्ड लाइन पता है फील्ड लाइन क्या होती है इसमें जो फील्ड लाइन निकली हो वो ऐसे हुई रेडियल आउटवर्ड नहीं थी ये सामने दूसरा की तो रिपल्सन होगा रिपल्सन की वजह से क्या होगा जैसे दोनों के ऊपर प्रेशर है जीरो क्योंकि कभी भी वो दोनों फील्ड लाइन क्या होगी यहाँ पे रिपल कर देगी क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि हमें पता है दो लाइट चार्ज के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा। ओके जैसे हमें फील्ड लाइन रेडियल आउटवर्ड मिलेगी और रिपल्सन मिलेगी यहाँ पे चार्ज मिलेगी तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा यहाँ पे मतलब फील्ड लाइन होगी ही नहीं। ओके फील्ड है ही नहीं हमें सिमिलर ऐसे यहाँ पे बाहर की तरफ दिखा सकते हो यहाँ पे देख सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे क्लोज नहीं है इसका मतलब है कि यहाँ पे फील्ड लाइन क्लोज नहीं होगी तो यहाँ पे पोटेंशियल भी ज्यादा नहीं होगा। सॉरी यहाँ पे जो क्लोज नहीं है इसका मतलब क्या है वो रिपल कर रहा है एक दूसरे से। ओके और यहाँ पे क्लोज नहीं कर रहा है मतलब रिपल्सन इसके वजह से यहाँ पे वो क्लोज नहीं होगी। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सिस्टम हो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाइपोल तो डाइपोल में ये प्लस होता है चार्ज माइनस होता है। ओके फील्ड लाइन हमें पता है पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में एंड होती है जैसे डाइपोल के अंदर फील्ड लाइन ड्रॉ कर फिर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए पहले आपको फील्ड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये फील्ड लाइन ड्रॉ करने में पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में एंड होती है। ओके ये रेडियली पॉजिटिव में रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव में रेडियली इनवर्ड ये फील्ड लाइन। ओके अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे
का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ओके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको जो पोटेंशियल मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्लोज मिलेगा, ओके। तो ये कुछ डायग्राम से वन मार्क्स के अंदर आपको कभी डायग्राम ड्रॉ करना पूछ सकते हैं, तो आप ड्रॉ कर सकते हो प्लेन शीट के ऊपर दो इक्वल अपोजिट चार्जेस के बीच में और दो इक्वल चार्जेस के बीच में